राजस्थान चुनाव में वोटिंग जारी है, दिग्गजों की तस्वीरें आना शुरू हो गई हैं। तस्वीर आपको दिखा देती हूं अब सचिन पायलट की। अब से कुछ देर पहले सचिन पायलट को आप सुन रहे थे एबीपी न्यूज पर हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय से, खास बातचीत उन्होंने की और अब अपने घर से वो निकल गए। मंदिर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पहुंचे हुए हैं सचिन पायलट। आज इम्तिहान का दिन है कांग्रेस के लिए, सचिन पायलट महत्वपूर्ण और सचिन पायलट के लिए ये विधानसभा चुनाव भी बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी उम्मीद कर रही है कि जो गुर्जर वोट बैंक है उसे कांग्रेस के पाले में लाने में बड़ी जिम्मेदारी सचिन पायलट को निभानी होगी। क्या इस जिम्मेदारी में सचिन पायलट कामयाब हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, इसका एक टेस्ट है। सचिन पायलट को देख रहे हैं आप, निकले हैं मंदिर में दर्शन के बाद वोट डालने के लिए। अभिषेक उपाध्याय हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं, जरा सुनते हैं क्या कहा सचिन पायलट ने। हम सब पर बनी रहे ये कामना आज मैंने की है। आप संकट मोचक होंगे, पूजन करने के लिए बालाजी का दर्शन करने पहुंचे हैं और हनुमान जी के भक्त हैं सचिन पायलट। ये देखिए इस समय जो पेट्रोल पंप वाले बालाजी हैं उनका दर्शन करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं सचिन पायलट, और यहां से दर्शन करके उसके बाद फिर वो टोंग के लिए निकलेंगे। दर्शन और पूजन का ये जो सिलसिला है इस बात की गवाही देता है कि वो इस बात को साथ लेकर के चल रहे हैं कि ईश्वर का आशीर्वाद और जो भावनाएं हैं वो भावनाएं भी उनके साथ बनी रहें। और ये देखिए कलावा इस समय बंधवा रहे हैं सचिन पायलट, और सबसे अहम बात ये है कि यहाँ से फिर वो जाएंगे टोंक के लिए। सुबह सुबह उन्होंने एबीपी न्यूज़ से बात की है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि वे उम्मीद कर रहे हैं कि वापस कांग्रेस सत्ता में आएगी, और उन्होंने ये भी कहा है कि कोई व्यक्ति अकेले चुनाव नहीं लड़ता है, सबके सब जो है मिल करके चुनाव लड़ते हैं। उन्होंने ये भी बात एक कही है। सबसे ख़ास बात ये है कि वो ये भी इस बात को कह रहे हैं कि हम जो है हम ये कोशिश करेंगे कि वो जो मुद्दे जनता के हैं हम उठाते आए हैं उनको आगे भी उठाते रहें, उन्होंने इस बात को भी कहा है। और देखिए यहाँ से अब निकल रहे हैं सचिन पायलट और यहाँ से सीधे टोंक के लिए जाएंगे, और जो जनता का जुड़ाव है वो यहाँ भी दिखाई पड़ रहा है सचिन के साथ। तमाम लोग हैं यहाँ पर जो देखने के लिए आए हुए हैं। यहाँ से टोंक के रास्ते में हम सचिन को निकलते हुए देख रहे हैं, और यहाँ पर देखिए ये जो बालाजी हैं जो अनुयायी आए हुए हैं बालाजी के, वो भगवान की जय जयकार कर रहे हैं, और एक 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 आस्था का नाता रहा है सचिन पायलट का। हनुमान जी के भक्त हैं सचिन पायलट, और इसी आशीर्वाद को लेकर उम्मीद जता रहे हैं कि सरकार फिर से लौटेगी। अहम बात ये भी है जिस तरह से यहाँ पर चीज़ें चली हैं, देखिए सचिन की बातें सुनिए। कुछ हुआ क्या आज तक? तो परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद और प्रदेश की उन्नति हो, आज चुनाव अच्छे से संपन्न हो जाए और प्रभु की कृपा हम सब पर बनी रहे, ये कामना आज मैंने की है। आप संकट मोचक होंगे, संकट मोचक के दरबार नहीं, मैं तो जनता के लिए समर्पित हूँ, और मैं समझता हूँ कि हम सबको मिलकर एक शांति सद्भाव का माहौल बनाए रखना चाहिए, लेकिन हनुमान जी की जो ताकत है वो हम सबको सभी लोगों को मिले, मैं इस बात की प्रार्थना करके आया हूँ। हनुमान जी की भक्ति रहे हैं, हनुमान जी की भक्त रहे हैं सचिन। बजरंग बली से बड़ा देवता कौन है? बजरंग बली आज मदद करेंगे कांग्रेस, बजरंग बली जनता की मदद करेंगे, हम सबकी मदद भी करेंगे। सर मैंने आपसे बहुत मिलने की कोशिश की, मैं यूपी से हूं, यूपी से। पायलट साहब एक सेकंड। सचिन पायलट को हम देख रहे हैं इस समय। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।